Hi guys, what's happening? Thank you so much for giving us all the love and support. इंडिया एंड चाइना दो न्यूक्लियर सुपर पावर और आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है इंडिया चाइना रिलेशन, क्योंकि 15 जून को जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे जब चाइनीज़ आर्मी हमारे एरिया में ट्रेसपासिंग की थी, तो एक बहुत बड़ा क्लैश ऑफ हुआ था जिसके बाद ये बहुत दुखद घटना हुई थी। और तब से इंडिया और चाइना रिलेशन और भी ज़्यादा टेंस हो गया और दुनिया की सारी कंट्रीज जो दोनों कंट्रीज़ के अलाइज हैं वो चाह रही हैं कि ये इशू जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, पर चाइना लगता नहीं है बाज आने वाला है, क्योंकि चाइना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से टेंशन और क्रिएट हो रहा है। और अभी अभी एक खबर आई है जब ये पता चला है कि चाइनीज़ ट्रूप्स ने पीपल लिबरेशन आर्मी की जो ट्रूप्स है उसने फिर से प्रोवोकेटिव मेजर लिया है पैंगंग सो एरिया में चेंज द स्टेटस को, चीज़ें जैसी हैं उसको बदलने के लिए चाइनीज़ आर्मी का ये कदम है। और ये 29 और 30 तारीख के बीच की रात की बीच की बात है जब उसने ये इंटरवेंशन किया है। इंडियन आर्मी जो कि वहाँ पे शांति और सौहार्द मेंटेन करने के लिए वहाँ पर डटी हुई है, वहाँ पर बहुत अच्छे से मुकाबला कर रही है इस चीज़ का, और एक हाई लेवल फ्लैग मीटिंग होने वाला है चुशुल में इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। चाइना जो कि बहुत एग्रेसिव है अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को लेकर, पता नहीं क्यों उसका रीज़न है कि वो चाहता है कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया जाए। चाइना का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑन द ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड्स में पठार और तिब्बतन प्लेट्यूज हैं, तो चाइना ऐसा क्यों करता है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और ये जो क्लैश हो रहा है, जो क्लैश हुआ 15 जून के पास जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, और चाइना जिसका कभी भी किसी के साथ रिलेशन ख़राब हमेशा से रहा है और आजकल यूएस के साथ भी उसका रिलेशन ख़राब है रिलेटेड टू साउथ चाइना सी, और दो दिन पहले ही हमें पता चला कि इंडियन नेवी ने अपना वॉरशिप साउथ चाइना सी में डिप्लॉय किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के लिए, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसकी आर्मी कभी कुछ ना कुछ करती है, वो हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती रहती है। तो आज के ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड होपफुली इसे ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएँ, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर सुपर पावर और कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जो टेंशन क्रिएट हो रहा है दोनों साइड में ये बहुत गलत है सबके लिए। होपफुली ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएँ एंड थैंक यू सो मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं देते रहूँगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द कंटेंट, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड बी सेफ़।